हेलो, वेलकम टू माय सिक्स्थ व्लॉग। तो जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि नेक्स्ट एक व्लॉग में मैं क्यू एन ए करने वाली हूँ। मेरे एक और वीडियो में आपको कमेंट्स करने को बोला था अपने क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और मैंने इंस्टा में भी एक स्टोरी डाली थी क्यू एन ए की, और उसमें भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चालू करते हैं। शुरू करें? नहीं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गिव योर होल इंट्रो, मींस योर एज, योर एजुकेशन, हाउ यू स्टार्टेड योर मॉडलिंग करियर, वांट्स टू नो यू मोर बिकॉज यू इंस्पायर मी। थैंक यू। मैं 24 साल की हूँ, आई एम 24, और मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया है। और मैं अपने मॉडलिंग करियर के बारे में बताऊँ तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उन लोग को मेरा फेस अच्छा लगता था तो मुझ पर मेकअप करके वो फोटोज लेते रहते थे अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए। फिर धीरे धीरे बाकी मेकअप आर्टिस्ट ने भी मुझे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मतलब पिक्चर्स लोगों की प्रोफाइल में जाते गए अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग मेरा बहुत ये था क्योंकि भाई इतने शूट्स मैं करती थी, जब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है जिनको ज़रा भी नॉलेज नहीं होता, तो उसमें तुम्हारे बाल, तुम्हारे स्किन इतने ख़राब होते हैं कि मत पूछो। मैंने हर तरह के शूट किए हैं, हर तरह के मेकअप आर्टिस्ट के साथ मैंने शूट किए हैं। कभी कभी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कभी कभी बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो किसी एजेंसी में नहीं भेजा है। जितने भी शूट्स किए हैं, जो भी किया है, सब मैंने खुद से ही किया है। धीरे धीरे मतलब टाइम जाते जाते अच्छे अच्छे शूट्स आते गए और चलता रहा मेरा काम। पहले मैं सारे यूट्यूब वाले क्वेश्चंस खत्म कर देती हूँ। आपने लूसी का नाम लूसी क्यों रखा? अगर तुम लोग को पता हो तो लूसी नाम का एक मूवी आया था और वो मूवी मुझे बहुत पसंद था, तो वही मैंने उसका नाम लूसी रख दिया। 5-6 शायद क्वेश्चंस होंगे ऐसे, बाकियों का नहीं पता, मैं मेरा बताती हूँ। मुझे अगर ओवरसाइज टी शर्ट पहननी है और वो मेरे घुटने तक आती है, कितना वियर्ड लगेगा अगर मैं ऐसे घूमूं। टी शर्ट जब टक इन करते हैं उससे ज़्यादा वियर्ड खुली हुई टी शर्ट लगती है, इसलिए मैं टक इन कर देती हूँ। एक स्टाइल है सिर्फ और कुछ नहीं। आर यू बायसेक्सुअल और लेस्बियन? आई एम हेट्रोसेक्सुअल। एनी स्कूल कॉलेज फन मेमोरी? अगर सच बताऊँ तो मेरी स्कूल कॉलेज की कोई फन मेमोरी नहीं है। अच्छा हुआ मेरी स्कूल और कॉलेज दोनों ख़त्म हो गई। मुझे स्कूल और कॉलेज दोनों में ही बहुत बेकार लोग मिले हैं, फिर कभी बताऊँगी। ट्रेडिशनल ड्रेस और वेस्टर्न? या तो मैं तुम लोग को जिम के कपड़ों में मिलूंगी या तो मैं अपने एकदम होमलेस लुक में मिलूंगी। और अगर बाहर कहीं पे मैं तुमको दिखी तो मैं मेरे बिंदी झुमके ये वाले लुक में होंगी। आपकी फर्स्ट जिम की फोटो दिखाओ। स्किनी बिच। मीटअप फॉर फैंस, कभी सोचा इस बारे में? जोधपुर घूमने आ जाओ, ट्रैवल व्लॉग भी बन जाएगा। ट्रैवलिंग मुझे इतना पसंद नहीं है और मीटअप के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है वैसा, बट श्योरली फ्यूचर में करेंगे। आपकी मस्टैश अच्छी है। थैंक्स। आपने जिम क्यों स्टार्ट की थी? मैं तुम लोग को भाषण नहीं देने वाली, मेरा कुछ ऐसा रीजन नहीं था, मैंने बस फिट रहने के लिए चालू कर दिया था जिम करना, और धीरे धीरे उसका एडिक्शन हो गया। आपसे पुलअप्स होना हो, हम आपके फैन रहेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट। हाउ डू टॉक टू जिम क्रश? किससे पूछ रहे हो? आप गलत इंसान से पूछ रहे हो, कहीं और से पता लगे तो मुझे जरूर बताना। इसके जवाब की जरूरत आपको कम और मुझे ज्यादा है। सिर्फ डेडलिफ्ट क्यों करते हो? यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ डेडलिफ्ट ही करती हूँ? आपके एब्स कब आएंगे? मेरे एब्स आ गए हैं, बस वो मेरी तरह इंट्रोवर्ट है और कुछ नहीं। What's the most ridiculous thing you have ever done in the name of fitness? मैं जब नई नई थी तब मैं बहुत स्किनी थी और मैंने एक साल सिर्फ कार्डियो किया था और मैं और पतली हो गई थी, और उसके बाद मैं रोज एब्स करती थी और मैंने खाना भी कम कर दिया था। मतलब मैं इतनी घटी थी, मैं 2-3 दिन तक नहीं खाती थी। एक तो बहन तुम पहले से स्किनी हो, ऊपर से तुमको जिम में सिर्फ कार्डियो करना है और खाना भी नहीं खाना, गधेड़ी। और ये स्किन केयर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, बस और कुछ नहीं। और ये सच है, नाक साफ कर लीजिए, हर वीडियो में आपकी नाक में कुछ फंसा रहता है। इसकी बात कर रहे हो ना? क्या
कोई बेस्ट डांसर, फिटनेस फ्रीक और ग्रोइंग यूट्यूबर बन सकता है। आपने मुझसे कुछ कहा? व्हाट्स द क्रिंजीएस्ट थिंग यू हैव एवर पुट अप ऑन सोशल मीडिया? मेरे टिकटॉक्स। ड्रॉप योर सप्लीमेंट लिस्ट एंड प्रोटीन सोर्सेज प्लीज। मैं सब कुछ मसल ब्लेज का यूज करती हूँ। गांजा को लगता है मैं पापा फूंकता हूँ। विद जिम बेल्ट डू यू यूज? मैं यहाँ पे फोटो डाल देती हूँ। करंटली मैं ये यूज कर रही हूँ। वैसे तो मुझे लिवर बेल्ट चाहिए बट मेरे ऐसे दोस्त है नहीं और मुझे खुद के पैसे भी नहीं डालने। क्या रे, कोई सीरियस सिचुएशन में फाट मारी छे? यस दीदी, चश्मा पहनने का मीनिंग क्या होता है? जब चश्मे तो हमेशा सर पे रखने है तो रखना है तो मैं अपने सफेद बाल छुपाने के लिए सर पे चश्मे लगाती हूँ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। विच इज योर मोस्ट फनी मोमेंट व्हाइल डूइंग द जिम? मेरी लेग डे के दिन एक बार टाइट्स फट गई थी। स्टार्टिंग में ही फट गई थी और मैंने आधे से ज्यादा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या चीजें होती रहने। पर अच्छी बात यह है कि किसी ने नहीं देखा शायद, क्योंकि मुझे खुद से ही पता लगी थी वो चीज। हाउ यू मैनेज योर मेकअप वाइल वर्किंग आउट? भाइयों बहनों, मैं जिम में मेकअप करके नहीं जाती हूँ। अब मैं वो चीज कैसे प्रूव करूँ मुझे नहीं पता। और ये बस एक सजेशन है उन लड़कियों के लिए जो जिम में मेकअप करके जाती है, ये चीज मत करो, तुम्हारी स्किन और ज्यादा खराब होगी। आपको क्राइंग्स होती है? बहुत होती है, बहुत। 10th का रिजल्ट, आई नो इमोशनल डैमेज। कोई इमोशनल डैमेज नहीं हुआ। हाँ दीदी, खाना वाना खाओ, डाइट वाइट लो, बॉडी बनाओ, आपकी बॉडी नहीं बन रही। क्योंकि 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। दीदी सपोला कुमार भी जिम शिम जाता है क्या? जिन जिनको नहीं पता सपोला कुमार क्या है, मैं नहीं बताऊंगी। पर एक चीज बताती हूँ मैं, मुझे पता नहीं कि मैं वीडियो में डालूंगी कि नहीं। मैंने जब सबसे पहला जिम ज्वाइन किया था, सपोला कुमार ने भी उधर ज्वाइन किया था, और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ सपोला कुमार ने वहां ज्वाइन कर लिया है। सपोला कुमार, लीव मी, लेट मी लीव माय लाइफ प्लीज। थॉट्स ऑन योर ओन कमर्शियल जिम? मेरे कुछ ऐसे गोल्स नहीं है, मुझे नहीं खोलना अपना खुद का जिम। हाउ डज इट फील टू हैव गेन 260K ओनली बाय पोस्टिंग डेडलिफ्ट? जली ना, तेरी भी जली ना। आर यू ऑन स्टेरॉइड्स? मुझे नहीं बॉडी बिल्डिंग करनी है, नहीं मुझे अपनी कोई कंपटीशन लड़नी है, नहीं मुझे अपनी पावर बढ़ानी है। जो हो रहा है सब नेचुरली हो रहा है। रील्स पे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, फिर जिम में भी 4-5 लोग ने पूछ लिया है ऐसा। और स्टेरॉइड्स में मैं पैसे क्यों डालूं? इससे अच्छा तो मैं जिम के कपड़े खरीद लूं नए। डेडलिफ्ट को गुजराती में क्या बोलेंगे? इफ देयर एवर कुड बी अ वर्ड फॉर इट। डेडलिफ्ट को गुजराती में क्या बोल सकते हैं यार? डेड का गुजराती होता है मरेलू। लिफ्ट का गुजराती क्या होता है? लिफ्ट का गुजराती क्या होता है? लिफ्ट क्या होता है? अरे भाई गुजराती लोग कमेंट्स में बताओ भाई, डेडलिफ्ट को गुजराती में क्या बोलते हैं? अब मुझे जानना है। स्किन केयर रूटीन के लिए दिन रात कितनी बार रोती हो? जब भी मैं फूट फूट के रोती हूँ ना, मेरी स्किन इतना अच्छा ग्लो करती है। सच में आप इतने हैवी डेडलिफ्ट्स कैसे कर लेते हो? हर चीज को बेटर होने के लिए उसे टाइम देना पड़ता है, और प्रैक्टिस से तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डज योर आर्मपिट स्मेल? लिया ना बका तूच की। What is the craziest thing you have done in public place? Public place में crazy क्या किया है मैंने? ये पेलू जे बच्चे जे घुसी जाए ना। Ever done ego lifting in front of your gym crush? Gym जाके खाली reels ही बनाते हो कि जिम भी करते हो? जिम कौन करता है? मैं famous हूँ तो मैं तो सिर्फ reels बनाती हूँ। अच्छा। इशानी नेम बाद में रखा या पहले से पता था शानी होगी ये लड़की? गजब तरीके है यार तुम लोग के फ्लर्ट करने के, मानना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो कंटेंट बनाते समय? कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आ गया है, चाहे वो जिम में रील्स बनाना हो या फिर घर पे ऐसे कैमरा से बातें करने का। आज ही मैं अपना पहला व्लॉग देख रही थी और भाई कितनी फेक, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, बस मेरी रियलिटी बाहर आ रही है अभी। आपके कितने बच्चे हैं? अबे तू थोड़ा सा डोंट यू गेट वियर्ड स्टेयर्स। ओह
ये तो बहुत होता है. नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट अ रिक्वेस्ट टू पोस्ट व्लॉग एवरी वीक प्लीज. एवरी वीक तो करू छू, दर सैटरडे तो आवे छे. जो तो छे नहीं तू, एनो मतलब. विच इज योर फेवरेट टैटू इन योर बॉडी? माय स्पाइनल टैटू, इट्स वेरी प्रिटी. आप रील्स में अलग और यूट्यूब व्लॉग्स में अलग, ऐसा क्यों? सच में ऐसा लगता है क्या? पता नहीं. योर सेलिब्रिटी क्रश? एक बार क्या हुआ था कि मैं कोई तो एक शूट में गई थी और वहां पे मेकअप किया, बिंदी लगाई, पूरा मतलब एकदम ट्रेडिशनल लुक था मेरा. फिर शूट खत्म किया, मैंने कपड़े चेंज किए, घर जाने के लिए निकली और मैंने मेकअप नहीं निकाला था. मैंने खुद को देखा, जीन्स, क्रॉप टॉप और बिंदी. और मुझे बहुत पसंद है ऐसा कुछ भी वेस्टर्न होना, तो उस पे हल्का सा एक इंडियन टच. मुझे इतना पसंद आया कि मैंने नेक्स्ट डे से ही जिम में पहनना चालू कर दिया. डू यू फील बैड व्हेन योर पीआर इज योर जिम्बरीज वार्म अप? ऐसी ट्रिगरिंग चीजें मत बोलो यार. डज डूइंग जिम मेक यू कॉन्फिडेंट इन लाइफ? यस. तो फाइनली बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने 91 क्वेश्चंस निकाले थे और मैंने सभी का आंसर किया है. पर प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. कोई बात नहीं, वो तो मैं एडिटिंग में देख लूँगी, क्योंकि अभी जो फुटेज आने वाली है वो इस वीडियो में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हेल्प करनी है इन लोगों की फेमस होने में. Guys, sorry. तो चलो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आप लोग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मेरी चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय. एक चीज करती हूँ मैं, रुको.